8 लाख मुसलमानों की लड़कियां मुर्तद होकर हिंदुओं के साथ जा चुकी हैं। आरएसएस ने एक बहुत बड़ी टीम तैयार की है जो अपने हिंदू नौजवानों को 3 या 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, उर्दू जबान बेहतरीन लखनवी जबान सिखाते हैं। तशरीफ़ रखिए, कैसे मिजाज हैं, क्या हाल है, खैरियत है, आपकी दुआएं हैं, ये अल्फाज सिखाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, इन्ना लिल्लाह, ये सब सिखाते हैं। और अपने नौजवान लड़कों को ये सिखा कर कहते हैं अब तुम मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ। और ये भी कहते हैं कि एक लड़का अगर किसी मुस्लिम लड़की को उसने मुर्तद कर लिया तो 2.5 लाख का चेक तो उसी वक्त मिलेगा, ज़ाती मकान उसके नाम का हम देंगे और जॉब देंगे, 3 चीज़ें देंगे। बेरोज़गारी के इस दौर में जिसमें कि कोई जॉब मिल ही नहीं रहा हमारे नौजवानों को, वो नौजवान वही गैर मुस्लिम नौजवान सोचते हैं कि भाई दोनों हाथ में लड्डू हैं, हम तो एक लड़की को अपना भी लेंगे, उसको अधर्म भी बना देंगे और फिर 2.5 लाख का चेक भी मिलेगा, ज़ाती मकान भी मिलेगा और उसके बाद जॉब भी मिलेगा, कितना सस्ता सौदा है। किसी हिंदू लड़की के साथ अगर शादी करना हो तो मुसीबत है, वो तिलक और वो जहेज और वो रस्में और वो मसाइल इतनी मुसीबत है, यहाँ तो हमको मुफ्त में लड़की मिल रही है बल्कि लड़की के बदले पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। इस मुहिम पर लग गए हैं करोड़ों नौजवान लेकिन हम सो रहे हैं। अल्लाह जाने कौन सा कोड़ा हमें चाहिए अल्लाह का, कौन सा दुर्रा चाहिए, कौन सा तमाचा चाहिए, कौन सा अजाब चाहिए हमारे जागने के लिए। मैंने आयत पढ़ी थी, ये जो इस वक्त का मसला गुनाहों का नहीं है, इस वक्त का असल मसला इर्तिदाद का है। हमारा ईमान छीनने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड एलोकेट किए गए हैं, इन पैसों का सिर्फ एक इस्तेमाल है, मुसलमानों की जान और माल लूटना ये बहुत छोटा काम है। अब जो काम है वो ये कि ईमान छीनो इनसे, डराओ धमकाओ भी, लालच भी दो। डराना धमकाना भी अपने पिछले एक हफ्ते में खूब सुन लिया, और लालच देने की बात अगर न सुना हो और कानों में रुई ठूसी हुई हो तो आज तो मैं कम से कम आपको बता रहा हूँ, अब तो जाग जाओ। अपने बच्चों और बच्चियों को कहाँ पढ़वाना है और कहाँ नहीं पढ़वाना अभी भी समझ में नहीं आएगा। अकबर इलाहाबादी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने शेर कहा था, वो कोई मौलाना नहीं थे, वो कोई हाजी साहब और हाफिज कुरान नहीं थे, अंग्रेजों के ज़माने में हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने ये शेर कहा था, यूं कत्ल से वो बच्चों के बदनाम न होता, यूं कत्ल से वो बच्चों के बदनाम न होता, अफसोस कि फिरौन को कॉलेज की न सूझी। खाली वो कॉलेज भेज देता बस खत्म, वो तो कत्ल हो ही जाते। अपने इदारे कायम करना, अपने इदारों में अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़वाना, इस्लामी तहजीब के साथ मैं बिल्कुल नहीं कहता कि अपना पढ़वाएं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि इस तरह पढ़वाना कि उनकी इज्जत भी लूटे, उनका ईमान भी छीने, इस तरह पढ़वाने से बढ़कर कोई पागलपन दुनिया में नहीं। इससे बेहतर यह है कि मेरी बेटी बिल्कुल अनपढ़ रहे, जिसको लगता हो कि ये गलत जुमला है भुगतेगा इंशाअल्लाह। खुदा जाने कब होश आएगा, खुदा जाने कब तक हम जुमे जुमे की नमाज पढ़कर अपने को अल्लाह के वली समझते रहेंगे। हम में से अक्सर लोग अपनी लड़कियों को कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में भेजते हैं और बिल्कुल ख़बर नहीं लेते कि हमारी लड़की वहाँ से साइंस पढ़ रही है या वहाँ फहाशी पढ़ रही है, हमारी लड़की वहाँ से मैथमेटिक्स और फिज़िक्स पढ़ रही है या वहाँ से कुफ्र सीख रही है, बिल्कुल बेखबर है। जब कोई कहता है कि भाई अपनी लड़कियों को पर्दा कराओ, बाहया बनाओ, बेपर्दा मत रखो, ये मौलाना लोग पता नहीं क्या पुराने ज़माने की बातें करते हैं, क्या पुराने ज़माने की बात, ज़माना बदल गया, ज़माना बदल गया, तो रसूलुल्लाह बदल गए, अल्लाह बदल गया, कुरान बदल गया, इस्लाम बदल गया, क्या बदल गया? ये कहिए कि हम बदल गए, ज़माने को मत कहिए कि ज़माना बदल गया, झूठ है कि ज़माना बदल गया, कहिए कि हम बदल गए।
हम मुनाफिक हो गए, हमने ईमान को जन्नत को मामूली चीज समझा, हमने जहन्नम को मामूली चीज समझा। हजारों लाखों लड़कियां, जो लड़कियां घर से बुर्का पहन के निकलती हैं, कभी आप फॉलो कीजिए अपनी बेटी को, जो लड़की बुर्का पहन के निकलती है उसको बाप को कह रहा हूं मैं, उसके भाई से कह रहा हूं, कभी देखिए कि क्या वो बुर्का घर से बाहर कितनी दूर तक रहता है, और उसके बाद वो बुर्का लपेट कर पर्स में जाता है, और उसके बाद क्या होता है, कितनी बेखबर है उम्मत मुस्लिमा। मैं चंद दिनों पहले शायद जब हाजिर हुआ था यहाँ तो ये बात कह चुका था, मैं फिर दोहराता हूँ, और हो सकता है कि मैंने ना कहा हो, क्योंकि मैं हजारों जगह ये बातें कह रहा हूँ। उत्तराखंड से मेरे पास मैसेज आया कि खुद एक वो लड़की जो खुद हाफिज़े कुरान थी वो मुर्तद हो गई, कुछ खबर नहीं। अजीब गरीब किस्म की गफलत है हम पर, खुदा जाने कौन सा नशा पे आया हमने, अभी 2 रुपए खो जाए तो नींद उड़ जाती है, अभी कोई सौदा महंगा मिल जाए 5 रुपए तो हालत खराब हो जाती है, खाना नहीं खाया जाता, और ईमान छिन रहा है, डाके पड़ रहे हैं ईमान पर। क्या मुंह दिखाएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह को कयामत में? क्या होगा जिस दिन की मीजान लगेगी, आमाल तोले जाएंगे, जिस दिन हकीकत बाहर आएगी, उस वक्त क्या होगा? पकड़ो इसको, जकड़ लो इसको, जंजीरों में जकड़ कर जहन्नम में फेंक दो इसको। अपने ऊपर जुल्म करने वालों को अल्लाह ताला कभी हिदायत नहीं देगा। अल्लाह ताला हमें होश के नाखून लेने की तौफीक दे। इस इर्तिदाद का रास्ता हमारे स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से खुला है, या आपको चाहे जितनी बुरी लगे बात, मैं वो मौलवी नहीं हूँ जो अपने गांव से नहीं निकला, मैंने ऑक्सफोर्ड में तकरीरें की, कैम्ब्रिज में तकरीरें की, मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो अमेरिका का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है उसमें 7 लेक्चर्स मेरे हुए, मैंने अक़वामे मुत्तहिदा में खिताब किया है, मैं उस तरह का मौलवी नहीं हूँ जिस तरह का आप समझते हैं। और मैं कसम खा के कहता हूँ, अगर आपने अपने बच्चियों की और बच्चों की तालीम और तरबियत सही इदारों में न की, और उनके ईमान की फिक्र न की, और उनकी निगरानी न की, तो आपके घरों में खुदा जाने क्या क्या होने वाला है। मैंने आज अपनी जिम्मेदारी इस मस्जिद के एतबार से बिल्कुल अदा कर दी, अब मैं आप सबको, आपकी नस्लों को अल्लाह के हवाले करता हूँ।